मुतालबा इस वक्त तो हमारा यही है कि इनके कातिलों को फौरी तौर पर उनका तायुन किया जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए और हमें बता दिया जाए कि इनके कातिल अंदरूनी दुश्मन है, बैरूनी साजिश का नतीजा है। हमें इस बारे में मुतमईन किया जाए और इस सिलसिले में हमारा भरपूर हमें इत्मीनान करके फिर जो तआवुन होगा हम इनके साथ करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता ये दुश्मनों का तायुन नहीं करते, कातिलों के बारे में तहकीक और पेशरफ नहीं करते, तो फिर इसके लिए हम अपना लाए अमल खुद ही तय करें। मौलाना अनीस साहब को कोई सिक्योरिटी फराहम, हालांकि ये मरकजी कायद थे और बलूचिस्तान के बहुत बड़े मोहसिन थे और बड़ा किरदार था, नामवर शख्सियत थे, लिहाजा उनको सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए थी, लेकिन उनको कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। मोहम्मद हनीफ शहीद रहिमहुल्ला आज हम में मौजूद नहीं। मौलाना मोहम्मद हनीफ शहीद का जुर्म सिर्फ इतना है कि वो अगर कहीं भी कोई भी आपस में लड़ पड़ते तो ये पहुंच जाता, उनकी सुलह सफाई करा देता और तमाम अहले चमन से उनका ताल्लुक भाइयों जैसा था, बेटियों जैसा था, बेटों जैसा था और जैसे अच्छा हमसाया होता है इस तरह उसने पूरी ज़िंदगी गुजारी। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आपके हसास इदारे कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, अगर ये हसास इदारे उनको इतना अच्छा दिखाते हैं और हर साल के रिपोर्ट में ही दिखाते हैं, तो आज हमें बतलाइए कि मौलाना मोहम्मद हनीफ शहीद का कातिल कौन है। अगर बिरूनी कोई साजिश है बी जमियत वालों को बता दे, और अगर अंदरूनी कोई साजिश है बी जमियत उलमा इस्लाम वालों को बता दे, और खुदा न खास अगर कहीं और से ये पत्थर गिरा है, कहीं और से ये पत्थर गिराया गया है, तो इस तरह अगर हजारहा पत्थर हम बिखराए जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जीवित उलमा इस्लाम का एक एक वर्कर, जीवित उलमा इस्लाम का एक एक कारकुन अपना खून बहाने के लिए तैयार है। लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि इंशाअल्लाह इस अल्लाह की इस ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज़ होगा और ये जो मौजूदा नाअहल हुकूमतें हैं और जो नालायक हुकूमतें हैं, ये जितनी भी बहाने बना ले, ये इंशाअल्लाह अब ये हुकूमत ख़त्म होगी और वो हुकूमत आएगी जो आवाम के लिए एक फ़िक्र रखेगी और आवाम के लिए एक दर्द रखेगी, और इंशाअल्लाह ये माशी जो बहरान आया है ये बहरान इंशाअल्लाह खुशहाली से तब्दील होगा। आज ताजिर परेशान है, आज मजदूरकार परेशान है, रात को घर जाते हुए परेशान है कि मैं बच्चों को क्या कहूँगा, कि मैं क्या लाया हूँ। ये आज एक मुलाजिम परेशान है जिसकी तनख्वाह 30-40 हज़ार रुपये है, अब वो परेशान है कि इसमें मैं गैस बिल की अदायगी कर दूँ, बिजली बिल की अदायगी कर दूँ, बच्चे की फीस की अदायगी कर दूँ, या मैं इससे आटा खरीद के ले आऊँ, या मैं इससे दवाई खरीद के ले आऊँ, या मैं डॉक्टर की फीस दे सकूँ। ये तमाम चीज़ें इसलिए आई है कि हम पर एक नाजायज़ और नाअहल हुकूमत मुसल्लत की गई है। ये खुद नहीं आई है, इसको तसल्लुत कहा जाता है, इसको जबरुत कहा जाता है, और इनको मैं बताना चाहता हूँ, बतलाना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क पे, इस रियासत पे तर्स खाइए और बाज आ जाए और बरमला कह दे कि हमसे गलती हो गई और आइंदा हम ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। और मौलाना मोहम्मद हनीफ साहिब रहीमुल्ला शहीद
का जो जनाजा था आज वो बता रहा था कि तमाम अहले इस्लाम और तमाम अहले बलूचिस्तान और तमाम अहले पाकिस्तान जमियत उलमा इस्लाम ही से वाबस्तगी रखते हैं और जमियत उलमा इस्लाम ही को सहारा समझते हैं और इंशाल्लाह जमियत उलमा इस्लाम तमाम पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए एक सहारा बनकर रहेगा। अल्लाह पाक हजरत मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब शहीद की शहादत कबूल फरमा दे और इनके पसमानदगान को सब्र जमील दे दे। और जमियत उलमा इस्लाम के तमाम साथियों से आखिरी मेरी गुजारिश ये है कि इससे हमारे हौसले शिकस्त नहीं होते हैं, इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं और ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी रियासत है, इसके लिए कुर्बानियाँ हम देंगे। कोई जो कुछ भी कहे, कोई भी कुछ कहे, लेकिन खून बहाना हमारा काम होगा, खून देना हमारा काम होगा और फिर भी कहेंगे कि ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। वाखिर दावाना अनिलहमदुल्ला रबी आलमी। और मजलिस में तशरीफ फरमा।